जैसे ही लोगों को ये बात पता चली है कि कनिका और फुकरा इंसान दुबई में साथ में हैं और फुकरा इंसान जो है कनिका को लेके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए हैं, वहीं पर जो है मनीषा रानी के हेटर्स ने जो है अपनी गंदगी सोशल मीडिया पर दिखानी शुरू कर दी है। अब काफ़ी सारे जो फोटोज़ है वो एडिट किए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है अपनी वीडियो में कि कुछ चीज़ें जो है लोगों की नजरों से बचती नहीं है, और वही चीज हुई है कि फुकरा इंसान दुबई में है तो कनिका के हाथ में जो पर्स था उस पर्स को जो है बर्थडे पार्टी के टेबल पे जो है वो देखा गया है, जिससे लोगों ने अंदाजा ये लगाया है कि दोनों साथ में हैं। क्योंकि पहले भी काफी बार ऐसी बातें हुई है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, बट ऑफिशियल और सामने ये कभी भी आए नहीं हैं, तो लोगों ने हमेशा ही इनके बारे में बात की। तो अब जब पर्स को वहां पर देखा गया तो लोग जो है कंफर्म हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभिया वाले हैं, जो अभिषा वाले हैं, उनका जो है दिल कहीं ना कहीं टूट चुका है कि भाई अब जो है कुछ और नहीं हो सकता है, फुकरा इंसान जो है किसी और की लाइफ में है। तो भाई फुकरा इंसान और मनीषा रानी बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो हमेशा ही दोस्त रहेंगे, और अभिषा जो है जो फैन है जो फैंस हैं वो हमेशा ही इस जोड़ी को जो है वो प्यार करते रहेंगे और करते भी रहना चाहिए। तो वहीं पर जो है जो फैंस हैं तो अपना अपने तरीके से सब चीज़ें बातें कर रही हैं सोशल मीडिया पर हेटर्स जो है वो फोटोज़ बना रहे हैं जहां पर गोद में जो है अभिषेक को पकड़ा दिया गया है और पीछे से जो है जदादिद को खड़ा कर दिया गया है, और यही बात बोल रही हैं कि मनीषा फुकरा इंसान से क्यों मिलेगी, फुकरा इंसान तो खुद अपनी कनिका के साथ बिजी है, ये तो जदादिद को जाके मिली होगी और इन दोनों ने मिलके जो है फुकरा इंसान जैसा बच्चा जो है वो पैदा किया होगा, और काफ़ी गंदी गंदी बातें जो है कर रही हैं। अब इन हेटर्स को अभिषा वालों किस तरीके से आप जवाब देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।